नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों में डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय विवाह। इसको हम देखेंगे दोस्तों कि कौन सी जनजाति किस प्रकार का जनजाति विवाह करती है, उस हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है छत्तीसगढ़ का मैप, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय विवाह। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, यह आपका पकड़ना है बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह पकड़ना है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक जनजातीय विवाह। फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों जनजातीय विवाह, जनजातीय विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय विवाह। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है कोल, और यह है दोस्तों कोरकू जनजाति, यह आपका है कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति में दो जनजाति विवाह प्रचलित है, पहला है पोटा विवाह, दूसरा है पारिंधन या क्रय विवाह। ध्यान दीजिएगा, कोरकू जनजाति में प्रचलित जनजाति विवाह है, कोरकू जनजाति में प्रचलित जनजाति विवाह है पोटा विवाह, पोटा विवाह, और दूसरा है दोस्तों पोटा विवाह, दूसरा है पारिंग धन, पारिंग धन या क्रय विवाह, पारिंग धन या क्रय विवाह। कोरकू जनजाति में प्रचलित जनजाति विवाह है पोटा विवाह तथा पारिंग धन या क्रय विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पारिंग धन या क्रय विवाह, कोरकू जनजाति में प्रचलित जनजाति विवाह है पोटा विवाह, पारिंग धन या क्रय विवाह, पोटा विवाह, दूसरा है दोस्तों पारिंग धन या क्रय विवाह। ध्यान दीजिएगा, पोटा विवाह का मतलब होता है जब कोई विवाहित महिला अपने पूर्व पति का त्याग कर किसी अमीर व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो इसे पोटा विवाह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पोटा विवाह, यदि कोई विवाहित महिला अपने पूर्व पति का त्याग कर किसी अमीर व्यक्ति से विवाह कर ले तो इसे पोटा विवाह कहते हैं। पोटा विवाह में कोई विवाहित महिला अपने पूर्व पति का त्याग कर यदि किसी अमीर व्यक्ति से विवाह कर ले तो इसे पोटा विवाह कहते हैं। पारिंग धन या क्रय विवाह, वधु मूल्य देकर विवाह करने की प्रणाली को पारिंग धन या क्रय विवाह कहा जाता है। लड़के पक्ष के द्वारा, वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य देकर विवाह करने की परंपरा को क्रय विवाह या पारिंग धन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले कोरकू जनजाति में प्रचलित विवाह है, सबसे पहला पोटा विवाह, दूसरा है पारिंग धन या क्रय विवाह। पोटा विवाह का मतलब होता है जब कोई विवाहित महिला अपने पूर्व पति का त्याग कर किसी अमीर व्यक्ति से विवाह कर ले तो इसे पोटा विवाह कहते हैं, जबकि दूसरा है पारिंग धन या क्रय विवाह। पारिंग धन या क्रय विवाह का मतलब होता है वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य देकर विवाह करने की परंपरा को पारिंग धन या क्रय विवाह कहते हैं। यह प्रचलित है दोस्तों कोरकू जनजाति में। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं दोस्तों, यह आपका है उरांव जनजाति, ये आपका है दोस्तों उरांव जनजाति। उरांव जनजाति में प्रचलित विवाह है, उरांव जनजाति में प्रचलित विवाह है निर्बोलन विवाह, निर्बोलन विवाह,
उराव जनजाति में प्रचलित विवाह है दोस्तों निर्वोलन विवाह। यह एक प्रकार का हठ विवाह है। हठ विवाह का मतलब होता है दोस्तों अपने परिवार से, अपने माता पिता से हठ करके विवाह करना, यह कहलाता है हठ विवाह। और हठ विवाह उराव जनजाति में प्रचलित हठ विवाह का नाम है निर्बोलन विवाह। ध्यान दीजिएगा, हट करके अपने परिवार से हट करके विवाह करने को कहते हैं हट विवाह। अपने परिवार से हट करके विवाह करने की प्रणाली को हट विवाह कहते हैं। और उराव जनजाति में प्रचलित हट विवाह है निर्बोलन विवाह। निर्बोलन विवाह उराव जनजाति में प्रचलित हट विवाह है दोस्तों निर्बोलन विवाह। यह आपका पकड़ना है पहाड़ी कोरवा या कोरवा जनजाति। यह आपका है दोस्तों पहाड़ी कोरवा या कोरवा जनजाति। पहाड़ी कोरवा या कोरवा जनजाति, ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी कोरवा या कोरवा जनजाति में प्रचलित विवाह देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पहला पकड़ते हैं, पहला है दोस्तों ढूकू। पहला है ढूकू। कोरवा जनजाति में प्रचलित विवाह पकड़ते हैं दोस्तों पहला ढूकू। ढूकू एक प्रकार का हठ विवाह है। ढूकू एक प्रकार का दोस्तों हठ विवाह है। और ये साथ ही साथ दोस्तों विधवा विवाह भी है। और साथ ही साथ यह एक प्रकार का घुसपैठ विवाह भी है। यह एक प्रकार का घुसपैठ विवाह भी है। ध्यान दीजिएगा, इसकी कहानी को समझिए। हट विवाह, किसी विधवा महिला के द्वारा किसी पुरुष के घर घुसकर विवाह करना, यह कहलाता है दोस्तों ढूकू। यह प्रचलित है आपका कोरवा जनजाति में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी विधवा महिला के द्वारा अपने परिवार से हट करके किसी पुरुष के घर घुसकर उससे विवाह करना हट विवाह, विधवा विवाह या घुसपैठ विवाह, यह प्रचलित है आपके कोरवा जनजाति में, जिसे कहा जाता है ढूकू विवाह। ढूकू विवाह यह प्रचलित है कोरवा जनजाति में। ढूकू विवाह एक प्रकार का हट विवाह है, क्योंकि किसी विधवा महिला के द्वारा अपने परिवार से हट करके किसी परिवार किसी पुरुष के घर घुसकर विवाह किया जाता है। चूंकि इसमें विधवा महिला का विवाह होता है दोस्तों, इसलिए इसे विधवा विवाह या पुनर्विवाह भी कहा जाता है। घुसपैठ विवाह, इसमें विधवा महिला किसी पुरुष के घर घुसकर उससे विवाह करती है, इसलिए इसे घुसपैठ विवाह भी कहा जाता है। तो कोरवा जनजाति में प्रचलित है दोस्तों ढूकू विवाह। ढूकू विवाह एक प्रकार का होता है हट विवाह, विधवा विवाह या घुसपैठ विवाह। किसी विधवा महिला के द्वारा अपने परिवार से हट करके, अपने परिवार से हट करके किसी पुरुष के घर घुसकर उससे विवाह करना ढूकू कहलाता है कोरवा जनजाति में। तो ढूकू विवाह एक प्रकार का हट विवाह है, विधवा विवाह है, और साथ ही साथ यह दोस्तों घुसपैठ विवाह है। क्योंकि विधवा महिला के द्वारा अपने परिवार से हट करके किसी पुरुष के घर घुसकर उससे विवाह किया जाता है, इसलिए यह एक प्रकार का घुसपैठ विवाह भी है। कोरवा जनजाति में प्रचलित है दोस्तों मंगनी विवाह। मंगनी विवाह, मंगनी विवाह यह एक पारंपरिक या सामान्य विवाह है। जैसा कि अरेंज मैरिज होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का पारंपरिक या आपका सामान्य विवाह है मंगनी विवाह। ढूकू विवाह, मंगनी विवाह, और एक होता है दोस्तों इनमें बहन विवाह, बहन विवाह। अर्थात इसमें अपने बहन से भी विवाह करने की परंपरा प्रचलित है दोस्तों कोरवा जनजाति में, कोरवा जनजाति में, इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों बहन विवाह। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों कोरवा जनजाति में प्रचलित, कोरवा जनजाति में प्रचलित पारंपरिक या हठ विवाह। यह दोस्तों कोरवा जनजाति में प्रचलित विवाह। ध्यान दीजिएगा, कोरवा जनजाति में प्रचलित विवाह है ढूकू। ढूकू एक प्रकार का हट विवाह, विधवा विवाह और घुसपैठ विवाह है। मंगनी विवाह यह एक सामान्य विवाह है, जबकि बहन विवाह अपनी बहन से ही विवाह करने की परंपरा प्रचलित है दोस्तों कोरवा जनजाति में। ध्यान दीजिएगा, कोरकू जनजाति में प्रचलित विवाह है पोटा विवाह, पारिंग धन या क्रय विवाह। पोटा विवाह का मतलब होता है यदि किसी विवाहित महिला के द्वारा अपने पूर्व पति का त्याग कर किसी अमीर व्यक्ति से विवाह किया जाता है तो इसे पोटा विवाह कहते हैं। दूसरा है पारिंग धन या क्रय विवाह।
वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य देकर विवाह करने की प्रणाली को पारिंगधर या क्रय विवाह कहते हैं। उराव जनजाति प्रचलित है हट विवाह निर्वोलन विवाह। उराव जनजाति प्रचलित हट विवाह निर्वोलन विवाह है, जबकि कोरवा जनजाति प्रचलित हट विवाह ढुकु विवाह है। हट विवाह का मतलब होता है अपने परिवार से हट करके विवाह करना, यह कहलाता है हट विवाह। और उराव जनजाति प्रचलित हट विवाह है दोस्तों निर्मूलन विवाह। कोरवा जनजाति प्रचलित विवाह है ढुकु विवाह, जो एक प्रकार का हट विवाह विधवा विवाह या घुटपैठ विवाह है। किसी विधवा महिला के द्वारा अपने परिवार से हट करके किसी पुरुष के घर घुसकर उससे विवाह करना कहलाता है ढुकु विवाह। मंगनी विवाह कोरवा जनजाति प्रचलित यह एक सामान्य विवाह है। बहन विवाह अपनी बहन से ही विवाह करना की प्रणाली है दोस्तों बहन विवाह। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहां पकड़ना है दोस्तों, यहां पर हमने पढ़ा था पेंड्रा और बिलासपुर में तीन जनजातियां, पेंड्रा और बिलासपुर की तीन प्रचलित जनजातियां है, ध्यान दीजिएगा भुइया भारिया धनवार। यह है दोस्तों भुइया भारिया धनवार, यह आपका पकड़ना है भारिया, ये आपका है दोस्तों भारिया जनजाति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये आपका है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति में प्रचलित विवाह है राजनी बाजी, राजनी बाजी विवाह, राजनी बाजी विवाह इसमें प्रचलित है दोस्तों, राजनी बाजी विवाह, राजनी बाजी विवाह। और इसमें एक और है दोस्तों मंगनी विवाह, राजनी बाजी विवाह बाजी विवाह, और एक है दोस्तों मंगनी विवाह। यह दोनों के दोनों है दोस्तों एक प्रकार के सामान्य विवाह। मंगनी विवाह प्रचलित है दोस्तों कोरवा में भी, और मंगनी विवाह प्रचलित है दोस्तों भारिया में भी। राजनी बाजनी विवाह, राजनी बाजी विवाह या मंगनी विवाह, यह दोनों के दोनों है दोस्तों सामान्य पारंपरिक विवाह। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहां पर पकड़ते हैं अगरिया, और यह है दोस्तों आपका बैगा जनजाति, यह आपका पकड़ना है बैगा जनजाति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगरिया बैगा, यह पकड़ना है दोस्तों बैगा जनजाति। बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह है दोस्तों, पहला पकड़ना है पैठुल, पहला है दोस्तों पैठुल। पैठुल एक प्रकार का हट विवाह है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों अपने परिवार से हट करके विवाह करने की प्रणाली को कहते हैं हट विवाह। और बैगा जनजाति में प्रचलित हट विवाह का नाम है पैठुल, ध्यान दीजिएगा। कोरवा जनजाति का प्रचलित हट विवाह ढुकु, बैगा का है पैठुल, और उराव जनजाति का हट विवाह है दोस्तों निर्मूलन विवाह। बैगा जनजाति का प्रचलित हट विवाह है दोस्तों पैठुल, ये एक प्रकार का हट विवाह है। दूसरा पकड़ना है दोस्तों अरउनो, अरउनो या इसी को हम कहते हैं चूरी पहरई, अरउनो या चूरी पहरई, अरउनो या चूरी पहरई चूरू पहरई, ध्यान दीजिएगा अरउनो या चूरी पहरई। अरउनो बैगा जनजाति में प्रचलित है दोस्तों अरउनो या चूरी पहरई। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें यह एक प्रकार का अरउनो या चूरी पहरई यह एक प्रकार का विधवा विवाह है। इसमें किसी पुरुष के द्वारा किसी विधवा महिला को चूड़ी पहनाकर विवाह किया जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों अरउनो या चूरी पहरई। अर्थात अरउनो या चूरी पहरई एक जनजातीय पुनर्विवाह है, अर्थात यह एक विधवा विवाह है जिसमें किसी पुरुष के द्वारा किसी विधवा महिला को चूड़ी पहनाकर विवाह किया जाता है, इसलिए से कहा जाता है अरउनो या चूरी पहरई। तो बैगा जनजाति प्रचलित है दोस्तों पैठुल हट विवाह, अरउनो चूरी पहरई, ध्यान दीजिएगा। अगला इसमें पकड़ना है दोस्तों देवर विवाह, देवर विवाह, देवर विवाह को ही कहा जाता है दोस्तों पति भ्रातृ विवाह, पति भ्रातृ विवाह, पत्री पति भ्रातृ विवाह, अर्थात पति के भाई से विवाह, अर्थात देवर विवाह। दूसरा प्रचलित है इसमें दोस्तों साली विवाह, साली विवाह, साली विवाह है दोस्तों पत्नी भगिनी, पत्नी भगिनी विवाह, अर्थात पत्नी की बहन से शादी, अर्थात साली विवाह। ये चारों प्रचलित है दोस्तों बैगा जनजाति में। बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह हमने डिस्कस किया दोस्तों पैठुल या हट विवाह, और उनो चूरी पहरई, देवर या पति भातृ विवाह, साली विवाह, पत्नी भगनी विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों
बैगा जनजाति में प्रचलित हट विवाह का नाम है, बैगा जनजाति में प्रचलित हट विवाह का नाम है पैठुल, पैठुल, जबकि इसमें पुनर्विवाह या विधवा विवाह है दोस्तों और उनो चूरी पहरई। पति के भाई से विवाह अर्थात देवर विवाह, पत्नी की बहन से विवाह अर्थात साली विवाह इसमें प्रचलित है दोस्तों बैगा जनजाति में। अपने परिवार से हट करके विवाह करना अर्थात हट विवाह प्रचलित है बैगा जनजाति में पैठुल। किसी पुरुष के द्वारा किसी विधवा महिला को चूड़ी पहनाकर विवाह करने की परंपरा है दोस्तों चूड़ी पहरई या अर उनो, अर उरो चूड़ी पहरई। दूसरा बैगा जनजाति में प्रचलित है दोस्तों देवर विवाह और साली विवाह। अपने देवर से विवाह करने की प्रणाली है दोस्तों देवर विवाह। किसी पुरुष के द्वारा अपनी साली से विवाह करने की प्रणाली है साली विवाह। किसी महिला के द्वारा अपने देवर से विवाह करने की परंपरा है देवर विवाह तथा किसी पुरुष के द्वारा अपनी साली से विवाह करने की परंपरा है दोस्तों साली विवाह। कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये आपका पकड़ना है। देखिए दोस्तों ये आपका पकड़ना है मुड़िया जनजाति, ये आपका है दोस्तों मुड़िया जनजाति और ये आपका है अबुझ माड़िया, मुड़िया अबुझ माड़िया, मुड़िया अबुझ माड़िया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मुड़िया जनजाति में यह है दोस्तों मुड़िया, मुड़िया जनजाति में प्रचलित, मुड़िया जनजाति में प्रचलित, मुड़िया जनजाति में प्रचलित जनजाति विवाह है दोस्तों अर उनो चूरी पहरई। इसमें भी प्रचलित है दोस्तों अर उनो, अर उनो या चूरी पहरई, चूरी पहरई अर्थात किसी पुरुष के द्वारा विधवा महिला को चूड़ी पहनाकर विवाह करने की परंपरा है पुनर्विवाह विधवा विवाह और उनो चूड़ी पहरई, जो कि मुड़िया जनजाति में भी प्रचलित। माड़िया जनजाति में प्रचलित जनजाति विवाह है दोस्तों बिघेर विवाह, बिघेर और दूसरा है दोस्तों ओडियता, ओडिता, ओडियता, ओडियता। पहला है दोस्तों बिघेर विवाह, दूसरा है ओडियता। बिघेर विवाह जो कि अबुझ माड़िया जनजाति में प्रचलित है दोस्तों बिघेर विवाह, ये बिघेर विवाह है दोस्तों ध्यान दीजिएगा भाग कर शादी करना, भाग कर शादी करना, भाग कर विवाह करना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों भाग कर विवाह करना ये प्रचलित है आपका अबुझ माड़िया जनजाति में बिघेर विवाह। ओडियता एक प्रकार का घुसपैठ विवाह है दोस्तों, यह एक प्रकार का घुसपैठ विवाह है, यह एक प्रकार का घुसपैठ विवाह है, ध्यान दीजिएगा। अबुझ माड़िया जनजाति में प्रचलित विवाह है, पहला है दोस्तों बिघेर विवाह, बिघेर विवाह भाग कर विवाह करना। जब लड़का लड़की अपने परिवार से अपने घर से भाग कर विवाह करते हैं तो इसे कहते हैं दोस्तों भाग कर विवाह करना, जो कि अबुझ माड़िया जनजाति में प्रचलित है बिघेर विवाह। अर्थात लड़का लड़की के द्वारा अपने घर से भाग कर विवाह करना की परंपरा प्रचलित है बिघेर विवाह। अबुझ माड़िया जनजाति में प्रचलित है दोस्तों बिघेर विवाह, जो कि जिसमें लड़का तथा लड़की अपने परिवार से अपने घर से भागकर विवाह करते हैं। दूसरा पकड़ना है ओडियता, यह एक घुसपैठ विवाह है, इसमें लड़का के द्वारा लड़की के घर घुसकर उससे विवाह किया जाता है दोस्तों ओडियता घुसपैठ विवाह। आगे पकड़ते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे पकड़ते हैं यह आपका पकड़ना है परजा और यह पकड़ना है दोस्तों भत्रा, यह आपका है परजा। परजा में प्रचलित है दोस्तों गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह परजा में प्रचलित है गंधर्व विवाह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों गंधर्व विवाह। यदि कोई लड़की विवाह के पूर्व गर्भवती हो जाए तो उस लड़की से जब विवाह किया जाता है तो इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है दोस्तों गंधर्व विवाह। यदि कोई लड़की विवाह के पूर्व गर्भवती हो जाए और उस लड़की से जब विवाह किया जाता है तो इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है गंधर्व विवाह, ध्यान दीजिएगा। अगला पकड़ते हैं दोस्तों ये आपका है भत्रा जनजाति, ये आपका है दोस्तों भत्रा जनजाति। भत्रा जनजाति में भाग कर लड़का लड़की के द्वारा अपने परिवार तथा घर से भाग कर विवाह करने की परंपरा प्रचलित है दोस्तों पलायन विवाह, इसमें प्रचलित है पलायन विवाह, इसमें प्रचलित है दोस्तों पलायन विवाह, ध्यान दीजिएगा। परजा जनजाति में प्रचलित है दोस्तों गंधर्व विवाह। जब लड़की शादी के पूर्व गर्भवती हो जाए
और उस लड़की से जब विवाह किया जाता है तो इस प्रकार के विवाह को कहते हैं गंधर्व विवाह। जबकि लड़का लड़की के द्वारा अपने घर से भागकर विवाह करने की परंपरा भद्रा में प्रचलित है, पलायन विवाह। और जबकि अपने घर से भागकर विवाह करना ये अबूझ माड़िया में कहलाता है बिगेर विवाह, जबकि इसे भद्रा में कहते हैं दोस्तों पलायन विवाह। अर्थात पलायन विवाह है एक प्रकार का भागकर विवाह करना, भागकर विवाह करना, भागकर विवाह करना, यह है दोस्तों पलायन विवाह। गंधर्व विवाह में गर्भवती कन्या का विवाह होता है दोस्तों, इसमें होता है दोस्तों गर्भवती कन्या का विवाह, गर्भवती कन्या का विवाह, यह है दोस्तों गर्भवती कन्या का विवाह। यदि कोई लड़की विवाह के पूर्व गर्भवती हो जाए और उसके जब शादी होती है दोस्तों तो इसे कहा जाता है गंधर्व विवाह। यह पकड़ना है दोस्तों कमार जनजाति, यह आपका है कमार जनजाति, यह आपका है दोस्तों कमार जनजाति। कमार जनजाति में प्रचलित है दोस्तों सह पलायन विवाह, सह पलायन विवाह, सह पलायन विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पलायन विवाह अलग है, सह पलायन विवाह बिल्कुल अलग है। सह पलायन विवाह में ध्यान दीजिएगा, यदि किसी लड़के का विवाह हो जाता है तो लड़का अपनी पत्नी को अपने माता पिता के घर में नहीं रखता है, वह अपना खुद का घर बनाता है और वहां वो रहने चल जाते हैं। अर्थात यह एक प्रकार का न्यूक्लियर फैमिली वाला कंसेप्ट है दोस्तों सह पलायन विवाह। सह पलायन विवाह प्रचलित है कमार जनजाति में, इसमें लड़का विवाह करने के पश्चात अपने माता पिता के घर अपनी पत्नी को नहीं रखता है बल्कि अपना एक इंडिविजुअल घर बनाता है और उसमें अपनी पत्नी के साथ रहता है। तो यह एक जिम्मेदारी का प्रतीक है दोस्तों कि लड़का अब जिम्मेदार हो गया है। सह पलायन विवाह का अर्थ होता है कि लड़का विवाह के पश्चात अपने माता पिता के घर न रहकर अपना खुद का घर बनाता है और वहां अपनी पत्नी के साथ रहता है। यह प्रचलित है दोस्तों सह पलायन विवाह कमार जनजाति में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद पकड़ते हैं यह आपका है बिंझवार जनजाति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है बिंझवार जनजाति, यह आपका है बिंझवार जनजाति। बिंझवार जनजाति में प्रचलित विवाह है, पहला है दोस्तों तीर विवाह, पहला पकड़ता है तीर विवाह। बिंझवार जनजाति में प्रचलित विवाह है दोस्तों तीर विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीर विवाह बिंझवार जनजाति में प्रचलित विवाह पकड़ना है दोस्तों, पहला है आपका तीर विवाह। ध्यान दीजिएगा, तीर विवाह क्या होता है, यदि किसी कन्या को कोई सुयोग्य वर नहीं मिल पाता है तो उस कन्या का विवाह करवाया जाता है तीर के साथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि किसी कन्या को कोई सुयोग्य वर्ग नहीं मिल पाता है, बिंझवार जनजाति में यदि किसी कन्या को सुयोग्य वर नहीं मिल पाता है तो उस कन्या का विवाह करवाया जाता है तीर के साथ, इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों तीर विवाह। दूसरा पकड़ना है बहु बहु विवाह, बहु विवाह, बहु विवाह का मतलब होता है, बहु का मतलब होता है दोस्तों बहुत, बहुत विवाह, अर्थात चार पांच पत्नियों वाला विवाह, चार पांच पत्नियों वाला विवाह। ध्यान दीजिए, यदि कोई बिंझवार जनजाति का बालक चार से पांच शादियां करता है तो इस प्रकार के विवाह को कहते हैं बहु विवाह, अर्थात जिसकी चार से पांच छह पत्नियां होती है बिंझवार जनजाति में, इसे कहा जाता है दोस्तों बहु विवाह। अर्थात जनजातियों में बहु विवाह का भी प्रचलन प्रचलित है दोस्तों, चरण प्रचलित है। यहां पर देखते हैं बिंझवार जनजाति में दो विवाह प्रचलित है, पहला है आपका तीर विवाह, दूसरा है आपका बहु विवाह। तीर विवाह का मतलब होता है यदि किसी बिंझवार जनजाति की कन्या को कोई सुयोग्य वर्ग नहीं मिल पा रहा है तो उस कन्या का तीर के साथ विवाह करवाया जाता है, जिसे कहा जाता है तीर विवाह। बहु विवाह, चार पांच पत्नियां, यदि कोई पुरुष चार पांच शादी करता है तो उसे बहु विवाह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद पकड़ते हैं यहां पर चार जनजातियां हमने डिस्कस किया है दोस्तों, खड़िया मुंडा नगेसिया बिरहोर, ये आपका है दोस्तों बिरहोर जनजाति, ये आपका है दोस्तों बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति में प्रचलित है दोस्तों गुरावट विवाह, बिरहोर जनजाति में प्रचलित है गुरावट विवाह,
गुरावट विवाह, गुरावट विवाह, या इसी को कहा जाता है दोस्तों गोलत विवाह, गुरावट विवाह या गोलत विवाह, जो कि है एक प्रकार का विनिमय विवाह, एक्सचेंज मैरिज, विनिमय विवाह, एक्सचेंज मैरिज, दो परिवार के लड़के तथा लड़कियों का आपसी में विवाह करवाया जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है विनिमय विवाह, गुरावट विवाह या गोलत विवाह, जो कि प्रचलित है बिरहोर जनजाति में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए एक परिवार का लड़का तथा लड़की है, यहां दूसरे परिवार का लड़का तथा लड़की है, उस परिवार की लड़की का इस परिवार के लड़के के साथ विवाह करवाया जाता है तथा उस परिवार के लड़के का इस परिवार की लड़की के साथ विवाह करवाया जाता है, यही कहलाता है दोस्तों गुरावट विवाह या गोलत विवाह, जिसे कहा जाता है एक्सचेंज मैरिज, विनिमय विवाह। तो यहां पर दो परिवारों के लड़के तथा लड़की का आपस में विवाह करवाने की परंपरा कहा जाता है दोस्तों गुरावट विवाह या गोलत विवाह, विनिमय विवाह है दोस्तों। इसके बाद पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है गोड़ जनजाति, ये पकड़ना है दोस्तों गोड़ जनजाति, ये पकड़ना है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में दोस्तों गोड़ जनजाति, गोड़ जनजातियों में प्रचलित जनजाति विवाह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों गोड़ जनजाति में प्रचलित जनजातीय विवाह, ध्यान दीजिएगा गोड़ जनजाति में प्रचलित जनजाति विवाह, पहला है दोस्तों लमसेना जाना, लमसेना जाना, लमसेना जाना, या इसे कहा जाता है दोस्तों चरघिया, लमसेना जाना या चरघिया, लमसेना जाना या चरघिया विवाह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों गोड़ जनजाति में प्रचलित है लमसेना जाना या चरघिया विवाह, यह एक प्रकार का दोस्तों घर जमाई विवाह है, घर जमाई विवाह है, घर जमाई विवाह है, यह एक प्रकार का दोस्तों सेवा विवाह है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों घर जमाई विवाह या सेवा विवाह है, लम सेना जाना या चर गया। यदि किसी लड़का लड़की का विवाह होता है और लड़का लड़की के घर में ही जाकर रहता है, इसलिए इसे सेवा विवाह या घर जमाई विवाह कहा जाता है, और जिसे जनजाति नाम है दोस्तों, इसका जनजाति नाम है लमसीना जाना या चर गया। ध्यान दीजिए, यदि किसी लड़का लड़की के विवाह के बाद लड़का लड़की के घर ही जाकर रहता है और लड़की के माता पिता की सेवा करता है, इसलिए से दोस्तों घर जमाई विवाह या सेवा विवाह लमसेना जाना या चर किया कहते हैं, लमसेना जाना चर किया, जिसे हम कहते हैं दोस्तों घर जमाई विवाह या सेवा विवाह। गोड़ जनजाति में प्रचलित दूसरा विवाह है दोस्तों पायसोतुर, पायसोतुर, पायसोतुर एक प्रकार का है दोस्तों अपहरण विवाह, अपहरण विवाह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि किसी लड़की का अपहरण करके विवाह किया जाएगा दोस्तों, तो इसे कहा जाता है पायसोतुर, या यदि किसी लड़के का अपहरण करके विवाह किया जाता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है पायसोतुर। तो लड़का या लड़की का अपहरण करके विवाह करने की प्रणाली गोड़ जनजातियों प्रचलित है पायसोतुर, अपहरण विवाह। इसके बाद देखते हैं दोस्तों दूध लौटावा, दूध लौटावा, दूध लौटावा, मेरे फुफेरे भाई बहन की शादी अगर करवाई जाती है तो इसे कहा जाता है दूध लौटावा, मेरे फुफेरे भाई बहन की शादी, मेरे फुफेरे भाई बहन की शादी, मेरे फुफेरे भाई बहन की शादी, भाई बहन की शादी, ममेरे फुफेरे भाई बहन की शादी को कहा जाता है दोस्तों दूध लौटावा, जो कि प्रचलित है गोड़ जनजाति में। तो गोड़ जनजाति में प्रचलित है लमसेना जाना चर गया, घर जमाई विवाह या सेवा विवाह, पायसोतुर जो कि है एक प्रकार का अपहरण विवाह, दूध लौटावा, ममेरे फुफेरे भाई बहन की शादी। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों भगेली, अगला है भगेली, भगेली, भगेली का मतलब होता है दोस्तों भाग कर विवाह करना, जैसा कि भतरा जनजाति में भाग कर विवाह करना है प्लान विवाह, और आपका अबुझ माड़िया में भाग कर विवाह करना है दोस्तों बिघेर विवाह। इसी प्रकार से गोड़ जनजाति में भाग कर विवाह करने की प्रणाली को कहा जाता है भगेली विवाह, यह है दोस्तों भाग कर विवाह करना, भाग कर विवाह करना, अपने घर से जब लड़का लड़की अपने घर से भाग कर विवाह करते हैं तो इसे कहते
है दोस्तों भगेली विवाह। अगला पकड़ते हैं दोस्तों पठौनी, पठौनी। अगला है दोस्तों पठौनी विवाह। पठौनी का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनरली लड़के के द्वारा लड़की के घर में बारात लेके जाया जाता है, वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष के घर में बारात लेकर जाते हैं, लेकिन इसमें होता है दोस्तों बिल्कुल उल्टा। जब लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाती है तो इसे कहा जाता है पठौनी विवाह। लड़की के द्वारा, लड़की के द्वारा बारात लेकर जाना, बारात लेकर जाना, यही है दोस्तों पठौनी विवाह। जब लड़की पक्ष के द्वारा, जब कन्या पक्ष के द्वारा लड़के के घर, वर पक्ष के घर बारात लेकर जाते हैं तो इस प्रकार के विवाह को पठौनी विवाह कहते हैं। इसमें लड़की के द्वारा लड़के के घर बारात लेकर जाया जाता है दोस्तों पठौनी विवाह में। और लास्ट है आपका दोस्तों चढ़ विवाह, चढ़ विवाह। चढ़ विवाह यह है दोस्तों एक प्रकार का हट विवाह, यह है दोस्तों एक प्रकार का हट विवाह। अर्थात जब लड़का लड़की अपने परिवार से हट करके विवाह करते हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं गौड़ जनजाति में चढ़ विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों हट विवाह, हट विवाह, हट करके अपने परिवार से हट करके विवाह करना हट विवाह कहलाता है। हट विवाह उराव जनजाति में प्रचलित हट विवाह है दोस्तों निर्मूलन विवाह, जबकि कोरवा जनजाति में प्रचलित हट विवाह है ढुकू विवाह, बैगा जनजाति में प्रचलित हट विवाह है पैठुल विवाह, और जबकि गोर जनजाति में प्रचलित हट विवाह है दोस्तों चढ़ विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसके अतिरिक्त हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे विवाह जो समस्त जनजातियों में प्रचलित है। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, यह आपका पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, यह है छत्तीसगढ़ राष्ट्र। समस्त जनजातियों में प्रचलित, समस्त जनजातियों में प्रचलित जनजातीय विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों समस्त जनजातियों में प्रचलित जनजातीय विवाह। सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्तों पैडुल, पैडुल विवाह। पहला पकड़ते हैं पैडुल विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों पैडुल विवाह, यहां पर ये जो मैंने लिखा है दोस्तों ये पैठुल लिखा है। पैठुल एक प्रकार का हट विवाह है जो कि बैगा जनजातियों में प्रचलित है, जबकि वो मैंने लिखा है दोस्तों पैडुल विवाह, पैडुल विवाह। तथा दूसरा देखना है दोस्तों सोमनी विवाह, पैडुल विवाह तथा सोमनी विवाह, पैडुल विवाह तथा सोमनी विवाह। यह एक प्रकार का दोस्तों पारंपरिक या सामान्य विवाह है, यह दोस्तों पारंपरिक या सामान्य विवाह, यह दोस्तों पारंपरिक या सामान्य विवाह। जनजातियों में प्रचलित यह दोस्तों पारंपरिक या सामान्य विवाह। समस्त जनजातियों प्रचलित सामान्य या पारंपरिक विवाह को कहा जाता है दोस्तों पैडुल विवाह या सोमनी विवाह, पैडुल विवाह या सोमनी विवाह। जबकि बैगा जनजाति में प्रचलित हट विवाह यह दोस्तों पैठुल, जबकि वो है पैडुल, ये पैठुल है और वो है दोस्तों पैडुल। इसके अतिरिक्त देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हल्दी पानी विवाह, एक पकड़ते हैं दोस्तों हल्दी पानी विवाह। यह है दोस्तों पुनर्विवाह, यह एक प्रकार का है पुनर्विवाह। हल्दी पानी विवाह यह एक प्रकार का है दोस्तों पुनर्विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों पुनर्विवाह में मैरिज होता है विधवा महिला का या विधुर महिला का, विधुर पुरुष का, विधवा महिला का या विधुर पुरुष का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मैंने क्या कहा, यह हल्दी पानी विवाह विधवा विवाह भी है और विधुर विवाह भी है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं ढुकू की तो यह विधवा विवाह है, विधुर विवाह नहीं है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं अरुणो चूरी पहराई तो यह भी है दोस्तों एक प्रकार का विधवा विवाह, अरुणो या चूरी पहनाई यह भी है दोस्तों एक प्रकार का विधवा विवाह, और उनो चूरी पहनाई यह भी है दोस्तों विधवा, यह भी है दोस्तों आपका विधवा विवाह, यह है दोस्तों आपका विधवा विवाह, और उनो चूरी पहराई। लेकिन हल्दी पानी पुनर्विवाह है, मतलब यह विधुर तथा विधवा विवाह दोनों है दोस्तों, लड़का लड़की दोनों के लिए है। यह है विधवा या विधुर विवाह, विधवा या विधुर विवाह दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने देखा अबुझ माड़िया में भागकर शादी करने की परंपरा को कहते हैं बिघेर विवाह, जबकि भत्रा में भागकर शादी करने की परंपरा है दोस्तों पलायन विवाह,
और गोड़ में भाग कर शादी करने की परंपरा है दोस्तों भगेली विवाह। लेकिन समस्त जनजातियों में भाग कर विवाह करना, लड़का लड़की जब अपने घर से भाग कर विवाह करते हैं अर्थात भाग के विवाह करने की परंपरा को समस्त जनजातियों के लिए कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समस्त जनजातियों के लिए कहा जाता है दोस्तों उढ़ रिया, उढ़ रिया या उड़रिया विवाह या उड़रिया विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके कई अपभ्रंश है, उड़रिया उड़रिया या इसी को हम कहते हैं दोस्तों उड़रिया उड़रिया विवाह, इसके कई अपभ्रंश है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उड़रिया उड़रिया या उड़रिया विवाह, यह है दोस्तों समस्त जनजातियों के लिए जब लड़का लड़की भाग कर विवाह करते हैं, भाग कर विवाह करना, भाग कर विवाह करने की परंपरा है दोस्तों समस्त जनजातियों में, उड़रिया उड़रिया या उड़रिया विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमने पढ़ा है गुरावट विवाह या यही है दोस्तों गोलत विवाह, यह है दोस्तों आपका गोलत विवाह। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित जनजातीय विवाह, कोरकू जनजाति में प्रचलित है पोटा विवाह, पोटा विवाह। जब कोई विवाहित महिला अपने पूर्व पति का त्याग कर किसी अमीर पति से विवाह करती है तो इसे कहते हैं दोस्तों पोटा विवाह, पारिंग धन या क्रय विवाह। इसका मतलब होता है वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य देकर विवाह करने की परंपरा है पारिंग धन या क्रय विवाह। उराव, उराव में है निर्बोलन विवाह, उराव में प्रचलित हट विवाह है दोस्तों निर्बोलन विवाह। कोरवा जनजाति में प्रचलित हट विवाह या विधवा विवाह या घुसपैठ विवाह है ढूकू विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने दो प्रकार का घुसपैठ विवाह डिस्कस किया, ढूकू एक घुसपैठ विवाह है और यहां पर ओडियाता भी एक प्रकार का घुसपैठ विवाह है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ढूकू का मतलब होता है जब किसी विधवा महिला के द्वारा अपने परिवार से हट करके किसी पुरुष के घर घुसकर विवाह किया जाता है तो इसे ढूकू विवाह कहते हैं। कोरवा जनजाति में प्रचलित सामान्य विवाह है मंगनी विवाह और इसमें प्रचलित बहन से शादी जब किया जाता है तो इसे कहा जाता है दोस्तों बहन विवाह। भारिया जनजाति में प्रचलित सामान्य विवाह या पारंपरिक विवाह है राजनी बाजी या इसे कहते हैं दोस्तों मंगनी विवाह। बैगा जनजाति में प्रचलित हट विवाह है पैठुल। किसी विधवा महिला किसी पुरुष के द्वारा किसी विधवा महिला को चूड़ी पहनाकर जब विवाह किया जाता है तो इसे कहा जाता है अरउनो या चूड़ी पहरई। अपने किसी महिला के द्वारा अपने देवर से विवाह करने की परंपरा को कहते हैं देवर विवाह। किसी पुरुष के द्वारा अपनी साली से विवाह करने की परंपरा को कहा जाता है साली विवाह या पत्नी भगनी विवाह, देवर विवाह या पति भ्राति विवाह। अबूझ माड़िया में भाग कर विवाह करने की परंपरा प्रचलित है बिघेर विवाह और किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला के घर घुस कर विवाह करने की परंपरा है दोस्तों ओडियता। मुड़िया जनजाति में भी प्रचलित है दोस्तों अरउनो चूरी पहने, ये एक प्रकार का विधवा विवाह है। परजा, परजा जनजाति में प्रचलित है दोस्तों गंधर्व विवाह। जब कोई कन्या शादी के पूर्व गर्भवती हो जाए तो उस कन्या का विवाह जब कहलाता है तो उसे कहते हैं दोस्तों गंधर्व विवाह। भत्रा, भत्रा जनजाति में प्रचलित है दोस्तों पलायन विवाह। लड़के लड़की के द्वारा भाग कर विवाह करने की परंपरा प्रचलित है दोस्तों पलायन विवाह। कमार जनजाति में प्रचलित है सपलायन विवाह। जब लड़का विवाह करने के पश्चात अपने माता पिता के घर ना रहकर अपना खुद का घर बनाता है तो यह कहलाता है दोस्तों सपलायन विवाह। बिंजवार जनजाति प्रचलित है तीर विवाह, बहु विवाह, तीर विवाह या बहु विवाह, चार पांच शादी करना यह कहलाता है दोस्तों बहु विवाह। तीर विवाह का मतलब होता है किसी कन्या को सुयोग्य वर ना मिलने की स्थिति में उसका विवाह किसी तीर के साथ करवाया जाता है। बिरहोर जनजाति प्रचलित है दोस्तों गुरावट विवाह, गोलत विवाह या विनिमय विवाह। दो परिवारों के लड़का तथा लड़की का आपस में विवाह करने की परंपरा कराता है दोस्तों गुरावट विवाह या गोलत विवाह या विनिमय विवाह। इसके बाद देखते हैं गोर जनजाति प्रचलित लमसेना जाना चरगिया, घर जमाई विवाह या सेवा विवाह। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जब लड़का शादी करके लड़की के ही घर रहने चल जाता है अर्थात लड़की के माता पिता की सेवा करता है
इसलिए इसे सेवा विवाह कहते हैं। चूंकि वह घर जमाई बन के रहता है इसलिए इसे घर जमाई कहते हैं। और जनजाति में इसे कहा जाता है दोस्तों लमसेना जाना या चर गिया। जनजातियों में प्रचलित, गौर जनजातियों में प्रचलित दोस्तों अपहरण विवाह है पायसो तूर। जब मेरे फुफेरे भाई बहन से शादी किया जाता है तो इसे कहा जाता है दूध लौटावा। भाग कर विवाह करने की परंपरा गौर जनजाति में प्रचलित है भगेली। लड़की के द्वारा जब बारात लेकर लड़के के घर जाया जाता है तो इसे कहा जाता है पठौनी विवाह। और गौर जनजाति में प्रचलित हट विवाह का नाम है दोस्तों चढ़ विवाह। समस्त जनजातियों में प्रचलित विवाह सब पारंपरिक या सामान्य विवाह को कहा जाता है पैडुल विवाह या सोमनी विवाह, पुनर्विवाह, विधवा या विधुर विवाह, हल्दी पानी विवाह, भाग कर विवाह करना उड़रिया या उड़रिया विवाह। ये है दोस्तों समस्त जनजातियों में प्रचलित विवाह। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों जनजातीय विवाह। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हट विवाह प्रचलित है। देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्रचलित जनजातीय हट विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रचलित जनजातीय हट विवाह, लड़के लड़की के द्वारा अपने परिवार से हट करने की परंपरा को कहा जाता है हट विवाह, जो कि विभिन्न प्रकार की जनजातियों में विभिन्न नामों से प्रचलित है। इसे ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ में प्रचलित जनजातीय हट विवाह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है छत्तीसगढ़ का मैप। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, ये पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है बस्तर, यहां पकड़ना है दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, कबीरधाम राजनाथगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय हट विवाह, अपने परिवार से हट करके विवाह करने की परंपरा को कहते हैं दोस्तों हट विवाह। उराव जनजाति में प्रचलित हट विवाह है, उराव जनजाति में प्रचलित हट विवाह है दोस्तों निर्बोलन विवाह। उराव जनजाति में प्रचलित हट विवाह का नाम है दोस्तों निर्बोलन विवाह। निर्बोलन विवाह जो कि एक हट विवाह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है अगरिया और यह है आपका दोस्तों बैगा जनजाति। बैगा जनजाति में प्रचलित हट विवाह का नाम है दोस्तों पैडुल विवाह, पैठुल विवाह, पैठुल विवाह, पैठुल दोस्तों, पैडुल का मतलब होता है सामान्य विवाह या पारंपरिक विवाह जो समस्त जनजातियों में प्रचलित है। यह है दोस्तों पैठुल विवाह। बैगा जनजाति में प्रचलित हट विवाह का नाम है दोस्तों पैठुल विवाह। यह आपका पकड़ना है कोरबा या पहाड़ी कोरवा जनजाति, यह आपका है दोस्तों कोरवा या पहाड़ी कोरवा जनजाति। कोरवा या पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रचलित हट विवाह का नाम है दोस्तों ढुकू विवाह, ढुकू विवाह, ढुकू विवाह। कोरवा जनजाति में प्रचलित हट विवाह का नाम है दोस्तों ढुकू विवाह, ढुकू विवाह। यह दोस्तों एक प्रकार का हट विवाह है, साथ ही साथ यह एक प्रकार का विधवा विवाह है और दोस्तों साथ ही साथ यह एक प्रकार का घुसपैठ विवाह है, क्योंकि किसी विधवा महिला के द्वारा अपने परिवार से हट करके किसी पुरुष के घर घुसकर विवाह किया जाता है इसलिए इसे दोस्तों कहा जाता है हट विवाह, विधवा विवाह या घुसपैठ विवाह, जो कि है दोस्तों कोरवा जनजाति में प्रचलित ढुकू विवाह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी विधवा महिला के द्वारा
अपने परिवार से हट करके किसी पुरुष के घर घुसकर विवाह करने की परंपरा है दोस्तों, ढुकू विवाह। और यह प्रचलित है कोरवा जनजाति में या पहाड़ी कोरवा जनजाति में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हट विवाह, जो कि गोड़ जनजाति में है। यह आपका है दोस्तों गोड़ जनजाति। गोड़ जनजाति में प्रचलित हट विवाह है, गोड़ जनजाति में प्रचलित हट विवाह है दोस्तों चढ़ विवाह। चढ़ विवाह जो कि गोड़ जनजाति में प्रचलित एक हट विवाह है। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों छत्तीसगढ़ में चार विशेष प्रकार के हट विवाह प्रचलित है। उराव में हट विवाह को निर्मूलन विवाह कहते हैं, कोरवा जनजाति में हट विवाह को ढुगू कहते हैं, बैगा जनजाति में हट विवाह को पैठुल विवाह कहते हैं, जबकि गोड़ जनजाति में हट विवाह को चढ़ विवाह कहते हैं। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों आपका विधवा विवाह। अगला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों विधवा विवाह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों विधवा विवाह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं विधवा विवाह, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों विधवा विवाह, विधवा विवाह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यह हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों पुनर्विवाह, 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 ध्यान दीजिएगा दोस्तों। विधवा विवाह या पुनर्विवाह, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्तों कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति में प्रचलित है ढुकू विवाह, जो कि एक है विधवा विवाह, ध्यान दीजिए। बैगा तथा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बैगा तथा मुड़िया जनजाति में प्रचलित, बैगा तथा ये आपका है मुड़िया, बैगा तथा मुड़िया जनजाति में प्रचलित है दोस्तों, बैगा और मुड़िया जनजाति प्रचलित है अर ऊनो, ऐसे हम कहते हैं दोस्तों चूरी पहरई, चूरी पहरई, चूरी पहरई, अर ऊनो या चूरी पहरई, यह एक दोस्तों विधवा विवाह। यह भी है दोस्तों एक विधवा विवाह, किसी पुरुष के द्वारा किसी विधवा महिला को चूड़ी पहनाकर विवाह करने की परंपरा कहते हैं विधवा विवाह। और यह भी है दोस्तों ढुकू एक विधवा विवाह, इसमें किसी विधवा महिला के द्वारा किसी अपने परिवार से हट करके किसी पुरुष के घर घुसकर विवाह करने की परंपरा है दोस्तों ढुकी विवाह कोरवा जनजाति में। लेकिन एक पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समस्त जनजातियों में प्रचलित पुनर्विवाह, जो कि विधवा विवाह के साथ साथ दोस्तों विधुर विवाह भी है। समस्त जनजातियों में प्रचलित, समस्त जनजातियों में प्रचलित पुनर्विवाह है दोस्तों हल्दी पानी, हल्दी पानी, यह दोस्तों विधवा विवाह के साथ साथ यह विधुर विवाह भी है, यह विधवा विवाह के साथ साथ एक विधुर विवाह भी है, विदुर विवाह, अर्थात यह एक पुनर्विवाह है। तो छत्तीसगढ़ में प्रचलित पुनर्विवाह है कोरवा, कोरवा में ढुकू विवाह, यह विधवा विवाह है, बैगा मुड़िया में और उन्हों चूरी पहनाई विधवा विवाह है, जबकि हल्दी पानी समस्त जनजातियों में दोस्तों विधवा या विधुर विवाह। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों घुसपैठ विवाह। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं घुसपैठ विवाह, अर्थात किसी के घर घुसकर विवाह करने की परंपरा घुसपैठ विवाह। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों घुसपैठ विवाह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं घुसपैठ विवाह, देखिएगा, यह आपका पकड़ना है दोस्तों अबुझ माड़िया, यह आपका पकड़ना है अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया, ध्यान दीजिएगा। कोरवा जनजाति में प्रचलित घुसपैठ विवाह है दोस्तों ढुकू विवाह, जबकि अबुझ माड़िया जनजाति में प्रचलित घुसपैठ विवाह का नाम है ओडियता, 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 यह है दोस्तों घुसपैठ विवाह, घुसपैठ विवाह, ध्यान दीजिएगा। ढुकू विवाह में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों फ्रेश टॉपिक घुसपैठ विवाह, घुसपैठ विवाह। तो छत्तीसगढ़ में दो घुसपैठ विवाह प्रचलित है दोस्तों, पहला कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह जो कि एक घुसपैठ विवाह है, ओडियता जो कि अबुझ माड़िया जनजाति में प्रचलित घुसपैठ विवाह है। ओडियता में किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला के घर घुसकर उससे विवाह किया जाता है, यह है दोस्तों ओडियता। लेकिन इसके जस्ट विपरीत ढुकू विवाह जो कि कोरवा में प्रचलित है, किसी विधवा महिला के द्वारा
अपने परिवार से हट करके किसी पुरुष के घर घुसकर उससे विवाह किया जाता है, यह है दोस्तों ढुकू विवाह। जबकि ओडियाता में पुरुष के द्वारा महिला के घर घुसकर घुसपैठ विवाह किया जाता है। अगला देखने जा रहे दोस्तों छत्तीसगढ़ में भाग कर विवाह करना। छत्तीसगढ़ में प्रचलित भाग कर विवाह करना, भाग कर विवाह करने की प्रणाली, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग कर विवाह करने की प्रणाली को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भाग कर विवाह करने की प्रणाली देखिएगा, छत्तीसगढ़ में लड़का लड़की जब भाग कर अपने परिवार या घर से भाग कर विवाह करते हैं तो इसे कहते हैं दोस्तों भाग कर विवाह करना। इसमें सबसे पहले पकड़ते हैं अबुझ माड़िया में भाग कर विवाह करने की प्रणाली प्रचलित है दोस्तों, बिघेर विवाह। इसमें लड़का लड़की अपने परिवार से घर से भाग कर विवाह करते हैं अबुझ माड़िया में। ये पकड़ते हैं दोस्तों भत्रा जनजाति में भाग कर विवाह करने की प्रणाली प्रचलित है दोस्तों, पलायन विवाह। ये पकड़ना है दोस्तों पलायन विवाह। गौड़ जनजातियों में यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रचलित है दोस्तों गौड़ जनजाति में प्रचलित भाग कर विवाह करने की प्रणाली है दोस्तों भगेली, जो कि है भाग कर विवाह करना। और समस्त जनजाति, यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैप जिसमें समस्त जनजाति है, समस्त जनजातियों में प्रचलित भाग कर विवाह करने की प्रणाली है दोस्तों उड़रिया विवाह। यह है दोस्तों भाग कर विवाह करना जो समस्त जनजातियों में प्रचलित है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की जनजातियों में जनजातीय विवाह को डिस्कस किया।